न्यूज तक स्वागत करता है कर्नाटक तक का। अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के करोड़ों की जमीन कैसे हो गई पाकिस्तानियों के नाम। कहा एक शख्स 30 साल में बना 47 बच्चों का बाप, पैदा होने वाली है 10 और संतानें। और एक ऐसा पुलिस वाला जिसने एक माँ बाप की बेटी की शादी में किया ऐसा काम कि हो रही है जमकर तारीफ। शुरुआत करते हैं यूपी के कानपुर से आई हैरान कर देने वाली खबर के साथ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुए 75 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बंटवारे के बाद भी सरकारी दस्तावेजों में यूपी के कानपुर देहात में पड़ी करोड़ों की जमीन आज भी 12 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम दर्ज है। अरसे से उनके नाम ही जमीनें दर्ज होती चली आ रही है। जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात में अकबरपुर तहसील के 12 गाँव की जमीनों पर राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाने वाली खतौनी में सभी का निवास पाकिस्तान लिखा हुआ है। इस संबंध में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि खतौनी में पाकिस्तानियों के नाम बरसों से ऐसे ही दर्ज होते चले आ रहे हैं। ये लोग पीढ़ियों पहले यहाँ रहते थे। देश के बंटवारे के बाद वे सभी पाकिस्तान जा बसे थे। उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद उनका यहाँ आना जाना नहीं हुआ। हो सकता है कि अब कोई जीवित भी ना हो। उनकी जमीनें यहाँ पड़ी हैं या लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है। मामला सामने आने के बाद अब डीएम ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। दूसरी अनोखी खबर यूपी से ही है। यूपी के देवरिया में पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी हर कोई तारीफ करता नहीं थक रहा है। दरअसल देवरिया पुलिस के एक थानेदार ने मंदिर में हो रही बिना माँ बाप की बेटी की शादी में तोहफा और आशीर्वाद देकर एक मिसाल पेश की है। दरअसल देवरिया के SHO आशुतोष लाउडस्पीकर की चेकिंग के लिए क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इस दौरान वो टीम के साथ लाहिल पार मंदिर पहुंच गए जहां एक शादी हो रही थी। उन्हें जब पता चला कि लड़की के माता पिता नहीं है, उसके मामा मामी लड़की की शादी करवा रहे हैं जो कि खुद काफी गरीब है, तो SHO ने उनकी मदद करने की सोची। उन्होंने फौरन बाजार से फ्रिज, पंखा और मिक्सर मंगवाया, फिर दूल्हा दुल्हन को भेंट करके उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही SHO ने मंदिर के पुजारी से शादी में हो रहे सामान्य खर्चे को माफ करने के लिए भी गुजारिश की, जिसको पुजारी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तीसरी अनोखी खबर एक ऐसे शख्स की है जो 30 साल की उम्र में 47 बच्चों का पिता बन चुका है और 10 और बच्चों का पिता बनने वाला है। दरअसल ये शख्स एक स्पर्म डोनर है। कैल गॉडी नाम का ये शख्स अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है। उनकी उम्र 30 साल है। कैल का दावा है कि वो जल्द ही 57 बच्चों के बायोलॉजिकल फादर बन जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कैल गॉडी अब तक 47 से ज्यादा बच्चों के पिता बन चुके हैं। कैल बताते हैं कि कुछ सालों पहले उनकी डेटिंग लाइफ औसत थी। उन्होंने कई लोगों के साथ डेटिंग की, लेकिन किसी के साथ भी वह लंबे रिलेशन में नहीं रह पाए। पर कैल अब थोड़ा दुखी नजर आते हैं। वो बोले, अब उनसे महिलाएं तभी बातचीत करती हैं जब उन्हें बच्चा चाहिए होता है। कैल की ये अनोखी कहानी सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।